इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा सिंगजानी में स्टेज सज गया, कारकुन पहुंचना शुरू, कायदीन का इंतजार, पीटीआई का रुकावटें डालने का इल्जाम। बेशर सैफ कहते हैं जलसे का एनओसी देकर रोकने के लिए इस्लामाबाद को ही सील कर दिया, कारकुन पूरी तैयारी से आएंगे, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। पीटीआई जलसे के लिए रूट प्लान जारी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों के लिए मार्गला एवेन्यू मुख्तस, दीगर शहरों से आने वाले मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। जलसागाह के करीब बैग से बारूदी मवाद मिलने के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त, 5000 अहलकार तैनात। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मौसर सिक्योरिटी की बदौलत इस्लामाबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुनों को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, सवाब इंटरचेंज पर इस्तकबाली कैंप, जलसे के लिए रास्ते में हाइल रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी भी मौजूद, रेस्क्यू की गाड़ियों को सफेद स्टिकर लगाकर छुपाने की कोशिश। और राना सनाउल्ला ने बानी पीटीआई को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया, कहा इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी, ठोस हकायक सामने आने पर पीटीआई को जलसियों की नहीं डूब मरने की जरूरत है।